हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि बाबा केदारनाथ की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले चार धाम यात्रा को लेकर, किस तरह से यात्रियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ऑनलाइन के नाम पर तीर्थ यात्रियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग, केदारनाथ स्टे और आपका यात्रा पैकेज, इन सभी को लेकर यात्रियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आप लोगों को इन लोगों से कैसे बचना है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं और साथ में आप लोगों को हम चार धाम यात्रा अपडेट भी देने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को सभी तरह की अपडेट मिलती है और मिलती रहेगी। चार धाम यात्रा को लेकर बहुत ही बड़ी संख्या में बैठे ठग यात्रियों को ठग रहे हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग, होटल स्टे को लेकर बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को ठगा जा रहा है। हमारे पास कुछ यात्रियों से हमारी बात हुई है, जिनको हेलीकॉप्टर में बुकिंग को लेकर ठगा गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो उन लोगों के टिकट जो कि फर्जी बनाए गए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। आप लोग पर्सनली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ठगी का कार्य चल रहा है, दूसरे स्टेट में बैठे लोग ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मिलती जुलती बहुत साइटें बना रखी है ऑनलाइन, उनका ये कार्य बहुत ज़्यादा संख्या में चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा चार धाम यात्रा, केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा एड्स हमें जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह से ये कार्य चल रहा है। हेलीकॉप्टर बुकिंग, केदारनाथ धाम स्टे को लेकर भी यात्रियों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो 20 मई तक के फुल हो चुकी है। आप लोग हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर किसी को भी पैसे मत दीजिए, कोई आपकी बुकिंग नहीं करा पाएगा, ये बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूँ। और साथ में केदारनाथ धाम में स्टे को लेकर भी यात्रियों से 4-5 हज़ार रुपया एक रूम के वसूले जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में जो रूम की बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, हालांकि डोरमेट्री में अभी भी बुकिंग चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी भी बुकिंग नहीं कराई है और आप लोग बुकिंग कराना चाहते हो, तो आप लोग अपने जान पहचान में ही बुकिंग कराएं, वरना आप लोग भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे द्वारा भी डोरमेट्री में बुकिंग स्टार्ट है, आप लोग हमारे द्वारा भी बुकिंग करा सकते हो। हालांकि मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुकिंग को वहीं पे जाके कराओ, क्योंकि आप लोगों को रूम अब भी महंगे ही मिलने हैं और बाद में भी वहीं पे जाके जब आप जाओगे तो तब भी आप लोगों को महंगे मिले। क्यों ना आप लोग वहीं पे जाके अच्छे से देखभाल करके अपने रूम बुक करा सकते हो। या फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छी ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा आप लोग अपना यात्रा पैकेज ले सकते हो, जिसके द्वारा आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना कहीं पे भी नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा अपडेट को लेकर। दोस्तों, आज चार धाम यात्रा को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें चार धाम यात्रा को लेकर 40% तक के जो किराया है वो बढ़ने वाला है। इस बार यात्रा करना सभी लोगों के लिए महंगा होने वाला है। आप सभी को पता है कि मई जून में बहुत ज्यादा रश रहता है, जिसको लेकर इस बार चार धाम यात्रा पर जो टैक्सी और ट्रेवल्स वाले है वो मुंह मांगा किराया वसूलते है। आप लोग चार धाम यात्रा या कोई से भी धाम की यात्रा पे आ रहे हो, तो आप लोग कम और बेस्ट रेट में हमारे द्वारा चार धाम की यात्रा कर सकते हो। हमारे पास सभी तरह की गाड़ियाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप लोग एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करें। आप लोग चार धाम यात्रा पैकेज, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा पैकेज या ओनली गाड़ी के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।